हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आए हो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कद्दू का हलवा, जो कि व्रत में काम आने वाला है। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं कद्दू का हलवा। ये मेरे पास है ना, 500 ग्राम का कद्दू है। इसको हम व्रत में खाते हैं। तो मैंने पहले इसका ना ऊपर का पार्ट होता है उसको मैंने साफ कर लिया है, और इसके ना छिलके को भी साफ कर लिया। गाइस, हमें कद्दू हरा नहीं लेना है, एकदम पीला लेना है, पका हुआ। ये मीठा होता है, इसलिए इसका हलवा भी बहुत शानदार बनता है। इसको मैं ना कस लूँगी कद्दू कसनी से। ये मोटा वाला पार्ट चाहिए कसने वाला, इससे नहीं, आपको इससे मोटे से कसना है इसको। तो हम इसे कसते हैं। और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट है, इसको मैं तोड़ लूँगी। ड्राई फ्रूट तो आप अपनी पसंद से ले लें। मैंने तो काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और इलायची ली है, तो इनको भी अभी मैं तोड़ लूँगी। तो इन्हें हम कसते हैं। तो गैस, ये ना अच्छी तरह कस जाता है, तो हमें ना मोटे वाला कसना है। ये सारा कद्दू मैं ऐसे ही कस लूँगी। तो गैस, इसको है ना मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये बहुत अच्छा सा किसा हुआ है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। मैंने एक पैन चढ़ाया है, उस पर हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक चम्मच। अब है ना जो कद्दू का कस किया है ना, हम उसे डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी। गैस व्रत में बहुत खाते हैं लोग इसको, यह ठंडा भी रहता है। व्रत ये नहीं मैं कह रही कि व्रत में ही खाएंगे, अपना मन हो तब भी बना सकते हैं इसको, वैसे भी खा सकते हैं। हाँ, कोई सोच रहा हो कि भाई ये व्रत में ही खाएंगे वही लोग खा सकते हैं इसको, नहीं भैया, ऐसे सब खा सकते हैं। व्रत वाले भी खा सकते हैं, बिना व्रत वाले भी खा सकते हैं। हमारा मन है, चाहे कभी भी बनाओ, चाहे कभी भी खाओ। गैस, कद्दू पका हुआ मीठा वाला होना चाहिए, तो कद्दू का हलवा बहुत अच्छा बनता है। अब इसको है ना मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको तब तक छोड़ती हूँ, एक काम और करती हूँ। ये ऐसे छोड़ देती है इसे हम। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें है ना फुल क्रीम दूध डाल दिया है। दूध मेरे पास है ना आधा लीटर है, यानी 500 ग्राम है दूध। जितना कद्दू लिया है उतना ही मैंने दूध लिया है। इसकी हमें रबड़ी बनाएंगे, तो इसको मैं दूसरी गैस पे चढ़ाती हूँ। इसमें अभी कुछ नहीं डालना है, बस दूध रखना है इसमें। तो गैस, इसको ना आप बिल्कुल छोड़े नहीं, इसको चलाते ही रहना चाहिए। ये ना लग जाता है, कुछ ऐसे ही पक जाएगा ये। छोड़ें आप तो इसके गैस के फ्लेम को ना आप कम करें। तो गैस, इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच शक्कर, मानी बड़ी वाली चम्मच है, तो ये मैं 2 चम्मच शक्कर डाल देती हूँ इसमें। बाकी का ये शक्कर के पानी में पक जाएगा कद्दू। तब तक वही साइड में रबड़ी बनती है, और है ना ये भी बन जाएगा कद्दू, ये रबड़ी भी बन रही है। फुल क्रीम दूध है तो फटाफट रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसको छोड़ दें, ऐसी पकती रहेगी, लेकिन इसको हमें चलाते रहना है। इसका पानी, शक्कर पानी छोड़ देगी ना, तो हम चलाएंगे नहीं इसको, क्योंकि ये फिर लगेगा नहीं तले में। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये भी पक जाएगा। तो गाइस, अभी आपने जो शक्कर डाली थी ना, उसका जो पानी रह गया ना, वो भी अच्छे से सुखाना है। अभी ये ना उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन कद्दू हमारा ना अच्छा सा सिझ गया है, इसमें बहुत अच्छे से पका है। तब तक ये साइड में जो रबड़ी है वो भी बहुत अच्छे से बन रही है, देखो मलाई भी अच्छी से निकल रही है। तो ये दोनों साथ साथ पक रहे हैं, और इसको है ना 2 मिनट और अच्छा से भून लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, हमने काट के रखे थे ना वो सारे ड्राई फ्रूट, इलायची भी, बादाम, ये इसमें पक जाएंगे। ऐसे चलाएंगे हम, तो ये भी पानी पक रहा है। तो गैस, ये कद्दू का सारा पानी सूख गया है बिल्कुल भी, इसमें शक्कर का बिल्कुल पानी नहीं रहा है बिल्कुल। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं इस वाली गैस को बंद करती हूँ, इसको साइड कढ़ाई को इधर लेती हूँ। तो
उसमें ट्रांसफ़र करना है मैं इसको रबड़ी के अंदर। तो गाइस इसको मैं इस साइड ले लूँगी। अब इसमें ये कद्दू है ना, इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये हलवा तो बन रहा है, इसमें मिठास तो है नहीं है। गाइस मैं अभी शक्कर डालूँगी, तो कद्दू पकाने के लिए हमने शक्कर डाली थी। तो जब हम ये हलवा खाते हैं ना, तो इस कद्दू की जो पीसेस स्लाइस से बने होते हैं ना, वो मुँह में जाते ना फीके से लगते हैं। तो इसमें शक्कर डालते हैं ना, इसीलिए अंदर एग्जॉर्ब हो जाती है उनकी शक्कर। हम इसमें इसको पकाऊंगी, इसके अंदर पक जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। शक्कर आप जैसा खाएं, मीठा उसी हिसाब से डालें गाइस, क्योंकि मैंने उसमें भी डाल दी शक्कर, तो मैं उसी हिसाब से डालूंगी इसमें। गाइस ये मैंने लिए 5 चम्मच शक्कर, इसको बराबर चलाएंगे। गाइस इसमें ना बस ये खासियत है, घी बहुत कम मात्रा में लेता है ये दूध, सॉरी ये हलवा। अब इसको फुल आंच पे ऐसे ही पकाते रहें, तब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो गाइस इसका है ना रबड़ी भी इसमें अच्छे से मिल गई है, बस थोड़ा सा इसका सिरप सा रह गया हल्का सा शक्कर का। ये एकदम आप गैस के फ्लेम को हाई कर लें, ताकि अच्छा सा पक जाएगा, एकदम थिक हो जाएगा। उस कंडीशन में आप ले आएँ इसको, एकदम थिक करना है, रोके नहीं हाथ को, कंटिन्यू चलाते रहना है। गाइस इसमें इलायची की खुशबू अलग से ही महक रही है, इलायची हलवा में जब डलती है ना, तो बस पूरी किचन ही महक जाती, बाकी के ड्राई फ्रूटों की तो कोई खुशबू नहीं आती। सिर्फ एक केसर है जो सैफ्रन, उसकी खुशबू आती है अच्छी सी, कि इलायची की। इलायची अगर आप नहीं खाते हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ये तो हम खुशबू के लिए डालते हैं, इससे अच्छा स्वाद आ जाता है। गाइस जब ये हलवा एकदम पक जाएगा ना, तो बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाएगा और शाइन देने लगेगा। तो गाइस इसमें है ना सारा शक्कर का पानी, रबड़ी का दूध सब सूख गया है गाइस, देख रहे हैं आप, एकदम थिक हो गया है। इसमें मैं हल्की सी डालूंगी 1/2 चम्मच घी, बस ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही रखना है इसके अंदर, इससे क्या है थोड़ी शाइन आ जाएगी। गाइस फाइनली मेरा हलवा बनके तैयार है। आप इसको नवरात्रि में, एकादशी के व्रत में, जो सप्ताह वीक के जो व्रत होते हैं, आप उनमें किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं। आपका मन हो तभी खा सकते हैं, बना के कभी भी बना लो तभी खा लो। गाइस फाइनली मेरा हलवा बनके तैयार हो गया है, मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया बंद। अब इसको मैं लूँगी दूसरे बर्तन में। गाइस मेरा हलवा आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे चैनल पे आप नए हो, प्लीज़ मुझसे जुड़े हों तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना। मैं ऐसे ही हलवा लेके आऊँगी, टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।